देखिए दोस्तों, ये डेकोरेशन के लिए जो घर पे अपने सजावट के लिए जो पौधा लगाते हैं, इसका नाम तो नहीं मेरे को पता, लेकिन ये अच्छा है। एक ये हमने लगाया है, एक आप देख सकते हैं ये वाला, ये काफ़ी लंबाई में जाता है और इसकी कटिंग टाइम टू टाइम करनी होती है। तो ये पौधा है, ये सारे सजावट के जो होते हैं घर के लिए वो दिखा रहा हूँ आपको। ये है और एक ये है जिसपे पिंक कलर के या वाइट कलर के जो फूल होते हैं वो लगाए, और एक ये वाला है, वो आप देख सकते हैं, ये वाला हमने पौधा लगाया। हमने जो है वो ट्रीज लगाए हैं, ये हमने किन्नू जिसे बोलते हैं लगाया है, ये किन्नू का पौधा है, ये देख सकते हैं आप, ये है मौसमी का पौधा। और ये है सेब का पौधा, एप्पल का, ये है मैंगो आम का पौधा, देख सकते हैं जैसा कि दिखाता हूँ आपको। देखिए कितनी अच्छी हरियाली है, देख सकते हैं आप प्रॉपर, बहुत अच्छी हरियाली है यहाँ पे। तो ये है जामुन का पौधा, ये देख सकते हैं जामुन का पौधा, और ये है अमरूद का पौधा, गुआवा, गुआवा का है। और ये है चीकू का पौधा, तो आप ये देखिए, ये चीकू का है, इस तरह के पत्ते होते हैं चीकू के। तो अभी ये राजस्थान में हमने लोग लगाए हैं, देखते हैं कितने जो पेड़ हैं वो कामयाब होंगे। ये हमने लगभग आज से एक साल पहले लगाया था, अनार का पौधा, देख सकते हैं आप, ये अनार इसके काफ़ी ज़्यादा जो फल हैं वो फूल हैं वो आए हुए हैं, तो इसमें बहुत से अनार लगने वाले हैं अभी। ये हमने लगाया है नींबू का पौधा, ये नींबू का पौधा है फ्रेंड्स। और ये हमने लगाया है, हिंदी में बोलते हैं इसको आलू बुखारा, ये आलू बुखारे का है, आलू बुखारे का ये पौधा है। और ये वाला है जो ये आप पौधा देख सकते हैं, ये है आड़ू का पौधा, तो ये आड़ू का पौधा है दोस्तों। तो लगभग हमने जो फ्रूट्स के हैं वो हमने 10 पौधे लगाए हैं, तो 10 में से अब देखते हैं फ्रूट्स में कितने होते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो 10 पौधे हमने लगाए हैं, देखते हैं उसमें से कितने आते हैं जो फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं, और 5 हमने डेकोरेशन सजावट के लिए लगाए हैं, तो देखते हैं उनमें से कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये है हमारा छोटा सा खेत, इसमें लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।